एवरीवन, सिविल इंजीनियर जॉब्स में आपका स्वागत है। तो आज मैं जो आपके लिए वैकेंसी लेके आई हूँ वो काफ़ी अच्छी वैकेंसी है, गवर्नमेंट जॉब है, परमानेंट है। अगर आप किसी परमानेंट जॉब के लिए सर्च कर रहे हो जो कि गवर्नमेंट होनी चाहिए, तो ये आपके लिए काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। उत्तराखंड गवर्नमेंट ने नई रिक्रूटमेंट निकाली हुई है जिसमें आपको असिस्टेंट इंजीनियर AE की रिक्रूटमेंट के लिए फिल करना है। इसमें सिविल की काफ़ी ज़्यादा वैकेंसीज हैं, नंबर ऑफ़ वैकेंसीज निकली हुई हैं। ऐसे तो और भी ज़्यादा वैकेंसी है, लॉ ऑफिसर की, पर्सनल ऑफिसर्स की, इंडस्ट्रियल इंजीनियर की वैकेंसीज हैं इसमें UPCL में, उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड में। बट ये जो मैं रिक्रूटमेंट की वीडियो लेके आई हूँ वो मोस्टली सिविल के लिए लेके आई हूँ। सिविल वालों के लिए नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ है। इसकी डिटेलिंग के बारे में बताऊँ तो नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ है जिसके बारे में मैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो या एज लिमिट का क्राइटेरिया हो, सैलरी स्ट्रक्चर हो, सारा मैं वीडियो के एंड तक सब कुछ आपको क्लियर करूँगी। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना क्योंकि ये फ्रेशर्स के लिए वैकेंसी है, तो फ्रेशर्स तो इस वीडियो को ज़रूर लास्ट तक देखो और शेयर ज़रूर करना अगर वीडियो आपको पसंद आएगी। तो मैं अपनी वीडियो स्टार्ट करती हूँ। तो इसकी टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसी 105 वैकेंसीज निकली हुई हैं, जिसमें जो इंपॉर्टेंट डेट्स जो हैं, जो ऑनलाइन इनके इन्होंने एप्लीकेशन की स्टार्ट की हुई, वो 17 मार्च से स्टार्ट हो चुकी है, जिसकी लास्ट डेट जो है वो 16 अप्रैल तक है, नेक्स्ट मंथ तक। 16 अप्रैल से पहले पहले आपको क्या करना होगा, इस रिक्रूटमेंट के लिए अप्लाई करना होगा। 16 मार्च अप्रैल से अगर आप अप्लाई नहीं करते हो तो फिर आपका जो रेज्यूमे है वो अपलोड नहीं होगा और आपका जो एप्लीकेशन होगा वो सबमिट नहीं होगा। इसकी जो मैं बात करूँ एम्प्लॉयमेंट की, तो ये फुल टाइम जॉब होगी जिसका सैलरी पैकेजेस आपको काफ़ी अच्छे मिल जाएंगे। 15,600 से स्टार्ट होकर 39,100 रुपीज़ तक इसका लास्ट जो सैलरी पर मंथ है वो रहेगा। इसका जो आपकी जो जॉब है वो कंट्री में ही रहेगी, इंडिया में ही रहेगी। इसकी जो मैं वैकेंसी की डिटेलिंग पे आऊँ तो असिस्टेंट इंजीनियर की जो रिक्रूटमेंट है उसके लिए 79 पोस्ट हैं, अकाउंट ऑफिसर के लिए 15 पोस्ट हैं, लॉ ऑफिसर के लिए 2 पोस्ट रखी गई हैं और पर्सनल ऑफिसर के लिए 8 पोस्ट हैं। सिमिलरली सीनियर इंडस्ट्रियल इंजीनियर के लिए 1 पोस्ट है। काफ़ी अच्छी वैकेंसीज़ है। आपको असिस्टेंट इंजीनियर के लिए अप्लाई करना है तो 79 नंबर ऑफ़ वैकेंसीज है। अगर आप कैपेबल हो तो आप इस रिक्रूटमेंट के लिए डेफिनेटली अप्लाई करो। अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लो, इस वीडियो को कंप्लीट एंड तक देखो, आपके सारे डाउट्स क्लियर होंगे। अगर इसकी मैं बात करूँ कि इनका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इन्होंने क्या मांगी हुई है, तो असिस्टेंट इंजीनियर के लिए जो कि आपको अप्लाई करना है तो उसके लिए इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल ट्रेनिंग मांगी हुई उन्होंने। तो इसके लिए आपकी जो बैचलर डिग्री होनी चाहिए आपके पास इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स में, मैकेनिकल में, पावर इंजीनियरिंग पावर सिस्टम में, आपकी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर होनी चाहिए। प्लस इन्होंने सिविल में भी निकाली हुई है, सिविल में भी अगर आप असिस्टेंट इंजीनियर के लिए अप्लाई करते हो तो आपकी सिविल में बैचलर डिग्री होनी चाहिए या फिर आपकी जो सिविल में जो अगर आपने कोई भी क्वालिफिकेशन की हुई है तो उसके लिए आपका नॉलेज होना चाहिए। लॉ ऑफिसर के लिए इन्होंने ग्रेजुएट इन लॉ मांगा हुआ है। पर्सनल ऑफिसर के लिए इन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन मांगी हुई है मैनेजमेंट में। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ सीनियर इंडस्ट्रियल इंजीनियर के लिए, तो इन्होंने मांगा हुआ है पोस्ट ग्रेजुएशन होनी चाहिए आपकी इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में। इसकी अगर मैं एप्लीकेशन फ़ी की बात करूँ तो 800 रुपीज़ फॉर जनरल OBC एंड इकोनॉमिकल वीकर सेक्शंस के लिए रखा हुआ है इन्होंने, और 400 रुपीज़ फॉर डोमिसाइल SC ST स्टूडेंट्स के लिए, SC ST वालों के लिए 400 रुपीज़ और बाकी अदर्स के लिए 800 रुपीज़ इन्होंने फ़ी रखी हुई है एप्लीकेशन फ़ी। अगर मैं इसकी सिलेक्शन क्राइटेरिया पे आ जाऊँ तो इसका जो सिलेक्शन क्राइटेरिया इन्होंने दिया हुआ है वो ऑन द बेसिस ऑफ रिटन टेस्ट एंड इंटरव्यू। पहले रिटन टेस्ट हो जाएगा, जो रिटन टेस्ट में क्वालिफाई करते हैं तो वो नेक्स्ट स्टेज जो इंटरव्यू स्टेज होगी उसके लिए आप क्वालिफाई कर जाओगे, और सेकंड स्टेज में इंटरव्यू भी अगर आपका क्वालिफाई होता है तो आपकी जो सिलेक्शन है वो पक्का है। गवर्नमेंट जॉब है, काफ़ी अच्छी वैकेंसी है, आपको नंबर ऑफ़ वैकेंसीज मिल जाएंगी। आपका अगर आप कैपेबल हो तो आप इस रिक्रूटमेंट के लिए डेफिनेटली अप्लाई करो क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा गोल्डन अपॉर्चुनिटी है उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि गवर्नमेंट जॉब के लिए काफ़ी टाइम से वेट कर रहे थे और जो कि मतलब काफ़ी टाइम से प्रिपेयर कर रहे हैं कि कुछ ना कुछ उनके हाथ आए, गवर्नमेंट जॉब छूटनी नहीं चाहिए। तो ये ज़रूरी नहीं अपनी स्टेट में रहेगी आपको जॉब करनी है, तो ये अक्रॉस इंडिया आपकी कहीं पे पोस्टिंग हो सकती है। स्टार्टिंग इनिशियल ईयर्स में आपकी उत्तराखंड में ही होगी, बट नो मैटर आपका अगर जॉब अच्छी हो, सैलरी अच्छी हो, रैंक अच्छा हो, तो नो मैटर आप किसी भी स्टेट में हो। तो अगर इसमें वेबसाइट पे जाने का लिंक की मैं बात करूँ तो वो भी मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में दे रखा हुआ है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आपको जो लिंक दिया हुआ है उस पर क्लिक करने के बाद आप अपना जो एप्लीकेशन है वो सबमिट कर सकते हो। अगर आपको इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी पढ़नी है तो उसका लिंक भी मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। यहाँ पे आपको ये दिख जाएगा ऑफिशियल नोटिफिकेशन। अगर आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन पढ़नी है तो आप इस पर भी क्लिक कर सकते हो। अगर आपको अप्लाई करना है तो आपको सिंपली अप्लाई हियर पे क्लिक करना है। अप्लाई हियर पे क्लिक करने के बाद आपकी जो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है वो खुल जाएगी। यहाँ पे आपको सारी डिटेलिंग भी यहाँ पे मेंशन हो जाएगी। यहाँ पे आपको अगर इस रिक्रूटमेंट के लिए अप्लाई करना है तो आपको सिंपली क्या करना होगा, ये जो सेंटर में ये जो लाइन स्क्रॉल हो रही है यहाँ पे लिखा है क्लिक हियर टू अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट इंजीनियर, इस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हो
क्लिक करने के बाद आपको एक विंडो खुलेगी। विंडो में आपको अपना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, अपना कैंडिडेट का फुल नेम, कैप्चा कोड यहाँ पे आके रजिस्टर करना होगा। रजिस्टर करने के बाद क्या होगा कि आपका नई रजिस्ट्रेशन हो जाएगी। फिर उसके बाद कैंडिडेट लॉगिन करने के बाद थर्ड स्टेज जो होगी आपकी यूज़र आईडी और पासवर्ड जनरेट हो जाएगा। नेक्स्ट उसके बाद आपका क्या होगा कि आपके जो डॉक्यूमेंट्स आपको वो अपलोड करने हैं। अपलोड करने के बाद आपको ये बोलेंगे कि फ़ी पेमेंट करो। फी पेमेंट आपको सिर्फ मोड ऑफ ऑनलाइन ही, ऑनलाइन से ही आप इनको पेमेंट कर सकते हो। ऑनलाइन चाहे आप नेट बैंकिंग से करो, डेबिट क्रेडिट कार्ड किसी भी मोड से करो, पर उन्होंने ऑनलाइन मोड से रखा हुआ है। तो वो अगर करने के बाद आपका क्या होगा, जो फाइनल सबमिशन होगा उसके बाद ही आपका जो है वो जो एप्लीकेशन फॉर्म का सबमिशन है वो माना जाएगा। सो इसी तरह से आप अपना ये जो रिक्रूटमेंट निकाला हुआ है जो उत्तराखंड गवर्नमेंट ने, तो आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हो। इससे काफ़ी अच्छी रिक्रूटमेंट है, इसके लिए अप्लाई करो और प्रिपेयर करो और इस जॉब को अक्वायर करो, क्योंकि इसकी सैलरी स्ट्रक्चर्स आपको काफ़ी अच्छे मिल जाएंगे और रैंक तो काफ़ी अच्छा है इसका। असिस्टेंट इंजीनियर का आप डायरेक्टली असिस्टेंट इंजीनियर आप अपॉइंट हो रहे हो। तो अगर इस वीडियो में अगर आपको कोई भी डाउट रहा होगा तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। एंड थैंक यू एवरीवन, प्लीज़ हमारे चैनल को शेयर करना मत भूलो और बेल आइकन को दबा दो ताकि आपको नेक्स्ट जॉब के अपडेट मिलते रहें। थैंक यू एवरीवन।